है ना, क्रिस्पी समोसे घर पे बनाए हुए हैं। तो आज हम आपको इन्हीं समोसों की रेसिपी बताएंगे, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। समोसे बनाने के लिए हमने ये छोटे छोटे आलू जो हैं इनको बॉईल कर लिया है, अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इसको हमने पीसेस में काट लेना है, सारे आलू को हमने छील लेना है, इसके पीसेस काट लेंगे। तो हमने ये आलू है जो बॉईल करके इसको काट लिया है, इसके मसाले के लिए हमने एक कटोरी बॉइल्ड मटर ले लेने हैं, हमने कच्चे नहीं लेंगे, ऐसे इसको बॉईल कर लेना मटर को, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने थोड़ी सी अदरक ले ली है, पीस के ले ली है, हरी मिर्च है और मूंगफली की गिरी है और उबले हुए मटर हैं। तो सबसे पहले हम तड़का लगाते हैं। पैन में हम रिफाइंड डालेंगे, जीरा डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, अब इसमें हमने मटर डाल देना है। हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, नमक, और अब आग जल दें। अब इसमें हमने चाट मसाला डाल देना है, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। पेट के लिए अजवाइन अच्छी होती है, तो हम थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। अब ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जब तक ये मसाला ठंडा होता है, तब तक हम मैदे का डो बना लेते हैं। तो हमने 250 ग्राम मैदा ले लेना है, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच हमने इसमें रिफाइंड ऑयल के डाल देने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब पानी से इसका हमने सख्त डो लगा लेना है, ताकि ये समोसे हमारे पूरे क्रिस्पी बन जाएं अच्छी तरह से। इसको तो आटा लग चुका है, ऐसा आटा होना चाहिए। हमारा मसाला भी जो हम इसमें भरेंगे वो ठंडा हो चुका है, अब बनाना शुरू करते हैं।
मसाले में हमने हरा धनिया डाल देना है। और मूंगफली की गिरी डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटे का हमने ऐसे रोटी की जैसा पेड़ा ले लेना है, उसको बेल लेंगे। अब इसको हाफ में से हमने कट लगा लेना है। इस रोटी को हमने इस तरह से पकड़ के यहां पे पानी लगा के इस साइड को इसके ऊपर ऐसे सील कर देना है। ऐसे अब इसमें हमने मसाला भर देना है। अब ये मसाला भर लिया, इसमें चारों तरफ इसको पानी लगा के हमने इसको बंद कर लेना है ताकि ये गर्म ऑयल में जाके खुले नहीं। ऐसे ये समोसे हमने सारे ही रेडी कर लेने हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें हमने सभी समोसे जो हमने बना के रख लिए हैं इनको तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो समोसे हमारे डीप फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हमने सर्व कर देना है। ये समोसे हमारे पूरे क्रिस्पी बन चुके हैं, ये देखिए। तो अब हम इनको सर्व करेंगे। इन समोसों को हमने ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व कर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।